ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फिक्शर ऑफिशियली रिस्कड्यूल फ़िक्चर का ऐलान कर चुकी है आईसीसी वर्ल्ड कप के फिक्चर में जो कुछ बदलाव होने थे मैचेस की कुछ डेट्स चेंज करनी थी किसी ना किसी रीज़न से तो वो डेट्स चेंज हो चुकी है आईसीसी फाइनली ऑफिशियली फ़िक्चर रिलीज कर चुकी है वर्ल्ड कप का तो नौ मैच में बदलाव हुआ है नौ मैच की डेट्स में बदलाव हुआ है लेकिन अब फाइनली ऑफिशियली फिक्शर कन्फर्म हो चुका है तो फैंस को अब इंतजार था कि उस वर्ल्ड कप के लिए टिकट्स कब से मिलना शुरू होगी कब वो टिकट्स ख़रीद सकते हैं उसकी डेट्स का ऐलान आईसीसी कब करेगी तो उसकी डेट्स का ऐलान भी आईसीसी कर चुकी है आपको बता देते हैं कि 15 अगस्त से डेट याद रखना 15 अगस्त से आपको आईसीसी की एक वेबसाइट है क्रिकेट वर्ल्ड कप डॉट कॉम क्रिकेट वर्ल्ड कप डॉट पर आपको पंद्रह अगस्त से सबको टिकट्स के लिए रजिस्टर करना है अभी आप सब यहाँ पर रजिस्टर करेंगे अगर आपको वर्ल्ड कप की टिकट्स लेनी है अगर आप वर्ल्ड कप की टिकट्स लेना चाहते हैं तो आपको पंद्रह अगस्त को क्रिकेट वर्ल्ड कप डॉट कॉम इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है अभी आपको पंद्रह अगस्त को टिकट्स नहीं मिलेगी सिर्फ अगर आपको लेनी है टिकट्स तो उसका आपको रजिस्टर करना है टिकट्स मिलनी शुरू होगी पच्चीस अगस्त से बता दें टिकट्स जो है आपको सारे पच्चीस अगस्त को नहीं मिलने वाली जो आई ने डेट्स ऐलान करी है टिकट्स के लिए वो फेजेस में करी है यानी एक दिन पर आपको सारे मैचेस के टिकट्स नहीं मिलने वाले अलग अलग दिन रखे हर मैचेस के लिए तो आपको बताते हैं कि किस दिन आपको कौन मैच की टिकट मिलने वाली है सबसे पहले 25 अगस्त को आपको नॉन इंडिया वार्म अप मैचेस और ऑल नॉन इंडिया इवेंट मैचेस की टिकट्स मिलेगी यानी सारे इंडिया के मैचेस को छोड़ के बाकी टीम के जो भी वार्म अप मैचेस होंगे और वर्ल्ड कप में जो इवेंट उनके मैचेस होंगे उसकी टिकट्स आपको सबकी 25 अगस्त को मिलेगी सारी टीमों की इंडिया को छोड़ के इंडिया के मैचेस की टिकट्स आपको मिलनी शुरू होगी तीस अगस्त से तीस अगस्त को आपको इंडिया के मैचेस की टिकट मिलेगी जो कि गुवाहाटी और त्रिवेंड्रम में होने हैं बता दें गुवाहाटी और त्रिवेंड्रम में इंडिया अपने दो वार्म अप मैचेस खेलेगी उनकी टिकट आपको तीस अगस्त को मिलेगी और मेन वर्ल्ड कप के जो मैचेस की टिकट होगी वो आपको शुरू होगी 31 अगस्त से 31 अगस्त को इंडिया के जो चेन्नई दिल्ली और पुणे में मैच होंगे उसकी टिकट्स आपको मिलनी शुरू होगी चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है इंडिया का दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ तो पुणे बांग्लादेश के साथ इन तीन मैचों की टिकट आपको 31 अगस्त को मिलेगी इसके बाद 1 सितंबर को आपको इंडिया के मैचेस की मिलेगी जो धर्मशाला लखनऊ और मुंबई में होने वाले हैं धर्मशाला में इंडिया न्यूजीलैंड के साथ मिलेगी लखनऊ में इंग्लैंड के साथ तो मुंबई में श्रीलंका के साथ इन तीन मैचेस की टिकट आपको एक सेप्टेम्बर को मिलेगी उसके बाद जो दो सेप्टेम्बर को इंडिया के मैचेस होंगे बेंगलुरु में और कोलकाता में वहाँ की टिकट मिलेगी बेंगलुरु में इंडिया के नीदरलैंड के साथ मुकाबला होगा तो कोलकाता में साउथ अफ्रीका के साथ इन दो मुकाबले की टिकट आपको 2 सितंबर को मिलेगी तो इसके बाद तीन सितंबर को मेन डे याद रखना 3 सितंबर को आपको महामकाबले की टिकट मिलने वाली है भारत का जो मुकाबला होगा अहमदाबाद में पाकिस्तान के साथ इंडिया पाकिस्तान मुकाबले की जो टिकट है वो आपको तीन सेप्टेम्बर को मिलेगी तो इसके बाद आखिरी पंद्रह सेप्टेम्बर को जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल होंगे उसकी टिकट आपको पंद्रह सेप्टेम्बर को मिलेगी तो ये थी सारे मैचेस की टिकट्स की डेट आपको किस दिन कौन कौन से इंडिया के मैचेस की टिकट्स मिलने वाली है तो नॉन इंडिया मैचेस की टिकट्स भी मिलने वाली है लेकिन उससे पहले याद रखना 15 अगस्त को आई की वेबसाइट क्रिकेट वर्ल्ड कप डॉट कॉम पर रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आप क्रिकेट के मैचेस की सारी वर्ल्ड कप के मैचेस की, की टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो अब देखिए तो फिक्सर भी आ चुका है टिकट्स की तारीखें भी आ चुकी हैं तो डेट भी नज़दीक है सारे वर्ल्ड कप के टीम्स के ऐलान के लिए भी जल्दी सारी टीम्स अपनी वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर देगी तो देखने वाली बात होगी सारी टीम अब स्क्वाड कौन कौन सी तैयार करती है तो सबको वर्ल्ड कप शुरू होने का भी इंतजार है आप लोग इस बार में क्या लगता है मुझे फट -फट आप मुझे फटफट से कॉमेंट जरूर बताइए आप ये तो फान स्पोर्ट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा